बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 286.09 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया है। साथ ही मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरा आरोप पत्र भी दायर कर दिया है। इस दौरान ईडी ने अलग अलग कंपनियों की संपत्तियों को अटैच किया है, जिसमें डो इंफ्रा, पार्शल सूर्यतम लैंड एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड, गुरु नानक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर और फ्रंटियर होम डेवलपर के नाम शामिल है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश यादव ने जांच एजेंसियों पर हाई प्रोफाइल मामले में अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसकी सीबीआई जांच और ईडी की जांच चल रही थी, उसी दौरान ये जो जमीन थी इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इंटरनल रोडों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया और हमारी इस जमीन पे सटे था। सटे के बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से ये जितने भी बिल्डर थे वो मुआवजा उठा ले गए और अच्छे रेट का मुआवजा उठा ले गए। जिस जमीन को इन्होंने 25 लाख रुपए में खरीदा था उस जमीन का ये मानेसर का तो 5,41,00,000 के हिसाब से उठा ले गए और नौरंगपुर का 7,43,00,000 के हिसाब से उठा ले गए। जो ज़मीन इन्होंने सस्तों में खरीदी थी उस जमीन का ये मोटा मुआवजा उठा के चले गए। हमें पता लगा कि जब हम किसी किसान के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑफिस में गए तो पता लगा कि बिल्डर इस ज़मीन का मुआवजा उठा ले गए। हमें शोक लगा, हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई से हमें पता लगा कि करीब 57 करोड़ रुपये उठा के ले गए, जिसकी शिकायत 23/9/2020 को हमने सीबीआई में और ईडी में की थी। उसके बाद उस कार्रवाई को करते हुए ईडी ने इनकी संपत्ति जब्त की है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? इस तरह देखते हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज कर रही थी इसको कि इतना भारी सीबीआई की जिस जमीन की सीबीआई जांच चल रही हो, जिस ईडी इसकी संपत्ति जब्त कर रही हो और उसके बावजूद बिल्डर पैसे उठा ले जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें मैं तो फेल्योर मानता हूँ। तो अधिकारी क्या इसमें शामिल रहेंगे? ये सीबीआई की जांच में आ चुका है और हमारी जो एफआईआर थी वो ये थी कि हमारे साथ हमारी 400 एकड़ ज़मीन सिर्फ 100 करोड़ में खरीद ली, जिसकी बाजारू कीमत 1600 करोड़ थी, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जी के हिसाब से उस ज़मीन की मतलब वो घोटाला 1500 करोड़ का ना होके 1700 करोड़ का घोटाला था। ये उन्होंने कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक्सेप्ट किया है कि किसान उस समय 4.5 करोड़ रुपए का रेट था और उसके हिसाब से ये जो घोटाला हुआ वो 1700। बहरहाल शिकायतकर्ता की माने तो ये पूरा घोटाला 1700 करोड़ रुपए का है, लेकिन जाँच पूरी होने के बाद पीड़ित किसानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर बिल्डरों ने कम दाम पर किसानों की जमीन को खरीद लिया था, जबकि उस समय भी जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।